ग्वालियर में गर्मी जानलेवा हो गई है और ग्वालियर में हीट स्ट्रोक से दो की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मासूम भाई और बहन की मौत हो गई, लू लगने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। कल परिजनों के साथ ये दोनों बच्चे मुरैना गए हुए थे और रास्ते में ही इन दोनों की तबीयत खराब हो गई थी। ग्वालियर के प्रजापति मोहल्ले की घटना बताई जा रही है जहां पर मासूम भाई बहनों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है हीट वेव के चलते, भयंकर और भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते इन दोनों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कल परिजनों के साथ मुरैना ये दोनों बच्चे गए हुए थे और उसी दौरान रास्ते में ही इन दोनों ही बच्चों की तबीयत खराब हो गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, भयंकर गर्मी की वजह से बताया जा रहा है हीट स्ट्रोक हुआ और इन दोनों की मौत हो गई। भाई बहन थे आपस में, दोनों ही मासूमों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि लू लग गई थी, इसी वजह से मौत होने की आशंका है। तो लगातार बढ़ता हुआ तापमान जानलेवा हो रहा है और ग्वालियर में गर्मी को लेकर कलेक्टर ने बड़ा आदेश भी दिया है। कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है। कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह धारा 144 लगाई गई है। दोपहर में कोचिंग संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा को देखते हुए ये रोक लगाई गई है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 6 AM to 11 AM तक ही ऑफलाइन कोचिंग की जा सकेगी। आपको बता दें कि 11 बजे के बाद खुलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई होगी। आगामी 15 जून तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। ग्वालियर में गर्मी को लेकर पारा 48 डिग्री के पास पहुंच चुका है और इसी को देखते हुए एहतियाती कदम उठाया गया। छात्रों को लेकर धारा 144 लगा दी गई है। अब दोपहर में किसी भी तरीके की कोचिंग संचालित नहीं हो पाएगी। तो पारा 48 डिग्री के पास पहुंचा है और इसी को लेकर कलेक्टर ने यह बड़ा आदेश दिया है। स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर यह एक एहतियाती कदम उठाया गया है। 15 जून तक यह आदेश लागू रहेगा और उसके बाद आगामी मौसम की हालत को देखते हुए आगे फैसला किया जाएगा। 48 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है, इसी को लेकर कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया कि सुबह 6 बजे से लेकर और 11 बजे तक सिर्फ इन 5 घंटों में ही ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट की जा सकती हैं। इसके बाद ऑफलाइन क्लासेस इन पर बैन रहेगा। दोपहर में किसी भी तरीके की कोई कोचिंग क्लास संचालित नहीं होगी। तो ग्वालियर में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है और इंसान जानवर ही नहीं, अब तो ट्रांसफार्मरों को भी कूलर की ठंडी हवा देनी पड़ रही है। दरअसल गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है और इस लोड के चलते ट्रांसफार्मर का हीटिंग टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचते ही ट्रिप होने लगा है। लगातार बिजली ट्रिपिंग की परेशानी से निजात पाने और भीषण गर्मी के बीच लोगों को बिजली की समस्या से राहत देने के लिए विद्युत विभाग ने शहर के 60 से भी ज़्यादा विद्युत सब स्टेशनों के बिजली ट्रांसफार्मर पर बड़े बड़े कूलर लगा दिए हैं। कूलर की ठंडी हवा के जरिए इनके हीटिंग टेम्परेचर को मेंटेन कर बिजली ट्रिपिंग की समस्या रोकने के लिए काम किया जा रहा है। ग्वालियर में आसमान से आग बरस रही है। पारा 47 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और ऐसे में गर्मी के चलते जो बिजली का लोड बढ़ रहा है उसके चलते ट्रांस